रुख करते हैं सोलन की ओर। हिंदू जागरण मंच ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का पुतला फूंका, उनके खिलाफ नारे भी लगाए। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के सोलन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में धारा 370 को लेकर कुछ लेखकों ने टिप्पणी की थी। लेखकों ने अपने वक्तव्यों और टिप्पणियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर माफी मांगने की नसीहत भी दी थी। लेखकों की इस प्रतिक्रिया को लेकर हिंदू जागरण मंच ने कड़ा विरोध जताया है और वहीं पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी इस संवाद का विरोध किया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिंदू जागरण मंच के विरोध को लेकर आलोचना की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बयान जारी किया और कहा कि इस संवाद पर विवाद नहीं होना चाहिए। शांता कुमार की यह नसीहत हिंदू जागरण मंच को रास नहीं आई और मंच के कार्यकर्ता शांता कुमार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए शांता कुमार के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला भी फूंका। हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने कहा कि शांता कुमार के इस रवैये के खिलाफ हैं और उनके विरोध स्वरूप हमने उनके पुतला जलाया और उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे की याद भी दिलाई है।